दो लोगों ने इतना काम किया पति पत्नी ने, जब इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे और मिलकर इस राज को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे तो कोई है इस देश में जो इस राज को आगे जाने से रोक सके? इसलिए हमें जरूर, हम अलग अलग वर्ग, अलग अलग बोलचाल के लोग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है सबका, जीवन कैसे चले, जीवन कैसे सुरक्षित रहे। और इस संदर्भ में जब हम विपक्ष में थे तो यही मोराबादी के उसमें, आज तो थोड़ा सा लगता है कि सरकार उरकार बन गई तो आप लोगों को स्टेडियम का सुविधा प्राप्त हुआ, नहीं तो फिर पता चलता फिर कोई खुले टाण में आप लोग इकट्ठा हो रहे होते। आज देखिए क्या जरूरत पड़ा, हर बार लाठी डंटा, पिछला 5 वर्षों में पता नहीं कितने कर्मचारियों ने लाठी डंटे खाए होंगे, कितने लोगों का हाथ पैर टूटा भगवान जाने। आज ऐसा क्या दिन आ गया, ऐसा कौन सा बदलाव हो गया जो बिना लाठी डंटा के काम हो रहा है? क्यों सरकार लाठी डंटा चलाएगी जब उसको काम करना है? और आप सब लोगों का पुरानी पेंशन बहाली की बात है, आप लोग चूंकि कर्मचारी हैं, बहुत सारी गतिविधियों को आप नजरों, आपके नजरों से गुजर रहा है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त कर देता हूं और मेरा यह प्रयास है, और इस शब्द के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि कुछ कार्यक्रम और भी हमारा है, व्यवस्था थोड़ा सा भी समय चूंकि कम है और मंजिल थोड़ा लंबा हो गया, कोरोना ने थोड़ा हमारा समय खा लिया, तो हम लोग गति देने की प्रयास में हैं, तो उसमें आप लोगों की भी सहयोग अपेक्षित रहेगी। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो धरातल पर है, वहाँ हर जरूरतमंदों तक कैसे पहुँचे, इसका एक ईमानदार प्रयास हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे। और आप लोगों की पुरानी पेंशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक ये उपहार के रूप में दें। और लगभग अभी अंतिम चरण पर ही चीजें हैं, हम चूंकि यहां व्यवस्था में भी बहुत दीमक है, व्यवस्था के अंदर भी बहुत दीमक है, बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समाधान करने के लिए, बल्कि आप ही लोग उस समस्या का समाधान करेंगे और पुख्ता होने के बाद उस पर मुहर लगाकर 15 अगस्त तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सौगात के रूप में हम मंचों से सुनाएं, तब मुझे बहुत खुशी होगी। आज तो आप लोग आ गए इस आशा उम्मीद के साथ, लेकिन मैं प्रयास में था कि हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं घोषित किया गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अगली बार जब भी मंच पे आऊँ तो कागज के साथ आप लोगों के समक्ष मैं मंच पर उसको दिखा सकूँ। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो अलग अलग राज्य से आए, यहाँ तेलंगाना से भी आए हैं, और तेलंगाना के लोगों का भी बहुत हमारे प्रति आभार रहता है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय गुरुजी ने इस राज को अलग किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, तेलंगाना राज को अलग करने में भी आदरणीय दिसोम गुरु जी की एक अहम भूमिका रही है, जिसके वजह से वो राज आज अस्तित्व में आया है। तो आज वहाँ के लोग भी उनको काफ़ी आभार करते हैं, आज वहाँ के भी सदस्य आए हैं, मैं इनका भी झारखंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद, जोहार। पेंशन ये आ गया।
झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।